हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर समाचार में आपका स्वागत है। उदयपुर के गोगुंदा थाना पुलिस ने 4 दिन पहले घर में घुसकर 75 वर्षीय वृद्धा को खत्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल थाना अधिकारी दलपत सिंह राठौर ने बताया कि मजावत गांव में 8 अगस्त को दोपहर में घर में अकेली वृद्धा को पाकर उसने घर में घुसकर कुदाली से इस घटना को अंजाम दिया। इसके बाद उसने कान और नाक में पहने सोने के जेवर खोले। उसके बाद आरोपी मुकेश सुथार ने पेटी में रखी नकदी और कुछ जेवर चोरी करके गोगुंदा भाग गया। इसके बाद उसने नई ड्रेस खरीद और जेवर को बेचने का प्रयास किया। हालांकि दुकानदार ने जेवरात नहीं खरीदे। आरोपी सीधा सुखेर स्थित एक होटल में पहुंचा और वहां रात भर रुका, जिसके बाद सुबह उठकर वह अहमदाबाद फरार हो गया। राठौर ने बताया कि आरोपी मुकेश पुत्र रतनलाल सुथार पहले अहमदाबाद में फर्नीचर का काम करता था। कुछ महीने पहले वो गांव में नहीं रहकर गोगुंदा में एक होटल में काम कर रहा था। प्लान के तहत वो वारदात के कुछ दिन पहले गांव पहुंचा और वृद्धा के साथ इस घटना को अंजाम देकर सातिराना तरीका से भागने का प्लान किया था। बताया जा रहा है कि 8वीं पास आरोपी मुकेश शोक मौज में पैसे उड़ाने वाला युवक है, जिसने कुछ समय पहले अपनी बुलेट भी गिरवी रखकर पैसे उधार लिए थे। वो इस घटना के बाद बिना डरे आराम से होटल में रह रहा था, वहीं अहमदाबाद फरार हो गया। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से 2 दिन के पीसी रिमांड पर भेज दिया गया है। सो दोस्तों, उदयपुर से जुड़ी हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट जानने के लिए बने रहिए चैनल के साथ। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।